नीरज एक दिन आगरा से ग्वालियर, उसके पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें कैंसर बताया तो ग्वालियर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जो नीरज आगरा कैंट से ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन जब चलने लगती है वो मुरैना स्टेशन पर रुकती है, और जैसे ही मुरैना स्टेशन पर रुकती है तो पानी वाले उसमें बेचने वाले चढ़ जाते हैं, कुछ औरतें नमकीन बेचती हैं, कोई टॉफी कोई कुछ। तो वहां जो महिला पानी बेच रही थी आवाज लगाते हुए निकल रही थी, और जैसे ही आवाज लगाई नीरज ने जब उसे देखा, पानी बेचने वाली आ रही है तो पानी ले लेते हैं, और जैसे ही वो बराबर पर आई सीट के, और जैसे ही नीरज की नजर उस पर पड़ती है तो एकदम भौचक्का सा रह जाता है, और जैसे ही वो पानी बेचने वाली की नजर उस नीरज पर पड़ती है तो अपनी नजर घुमा लेती है, और नीरज कहता है मैडम जरा पानी पीना है, 10 रुपए देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है, और उसे देख करके वो फूट फूट करके रोने लगती है, और नीरज से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, ये सच्ची कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं। ये आगरा की घटना है, आगरा के पास जो कुबेरपुर पड़ता है वहां की ये कहानी है। 2014 में नीरज का विवाह होता है, जिस लड़की का नाम होता है रेखा, इसका विवाह टूंडला से होता है, टूंडला की रहने वाली रेखा होती है। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो रेखा जो होती है अपने पति के घर जब आगरा कुबेरपुर पहुंचती है तो साल दो साल तो ठीक कटते हैं, लेकिन रेखा की जो माँ होती है, माँ ये चंचल स्वभाव की थी, हमेशा बेटी को फोन करके उसे हमेशा कोई न कोई सुझाव देती रहती थी, कहीं ये करना है कहीं वो करना है, ये सारे सुझाव उसे देती रहती थी। लेकिन यहाँ तक हुआ जब उसकी सास, उसका पति नीरज जब कहता था कि तुम्हें इस घर से मतलब है न कि दूसरे घर से मतलब है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती थी। दोस्तों यहाँ तक हुआ कि वो अपने मैके चली गई बगैर बताए। नीरज ने कहा इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशान करता कोई दिक्कत देता तो आप चली जाती, लेकिन वही चली जाती। चले जाने के बाद और उसकी माँ डिवोर्स के कागज डलवाती है और उन दोनों में सन 2019 में इनमें डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों उसके बाद में ये रेखा होती है अपनी ननिहाल मुरैना रह रही थी, अपना गुजारा कर रही थी, यहाँ भाई ने और भाभी ने उसे घर से निकाल दिया था। दोस्तों ट्रेन में और भी लड़कियां पानी बेचती थी, कोई नमकीन कोई कुछ बेचती थी, तो वो भी पानी बेचने का धंधा करना शुरू कर देती है। दोस्तों अपना गुजारा कर रही थी। इधर नीरज एक दिन, उसके पिता की तबीयत खराब थी तो अपने पिता को ग्वालियर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद वो पैसा लेने घर आया था, जा रहा था कैंट से ट्रेन पकड़ता है और वो मुरैना पहुंचती है ट्रेन, जैसे ही पानी वाली आवाज लगाती है, जब पानी वाली आवाज लगा रही थी तो उसे ही देखती है, तो पानी के लिए कहता है, जैसे ही वो मुड़की देखती है तैसे ही नीरज एकदम उसके चेहरा की तरफ देख करके सन्न रह जाता है, और जैसे ही उनकी पत्नी रेखा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंसू निकल पड़ते हैं, और नीरज से कोई बात नहीं कहती और एकटक देखती रहती है, और लोग जो होते हैं वो पानी समझ नहीं पाते कि इनकी बात क्या होती है। दोस्तों पानी पीने के बाद वो लेता है, पैसे नहीं लेती है, लेकिन अपने पास ही बैठा लेता है, क्योंकि सीट पर कम लोग थे, और अपने पास बैठा लेता है आमने सामने और पूछता है कि रेखा ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे पास आ गई जो आपको इस पानी बेचने पर मजबूर करना पड़ा, आखिरकार तलाक बेशक ले लिया है, तुम मेरी पत्नी हो लेकिन इतनी गरीब हुई हालत, ऐसा कैसे हुआ, जो पैसा था मैंने 4 लाख रुपए वापस किया, सारा दहेज किया, लेकिन फिर भी आपकी गुजार नहीं हो सकी। अब रेखा होती है, उसकी मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, खिड़की की तरफ देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। नीरज कहता है कि रेखा धैर्य धारण करो, जो भी किया है मैंने तुमसे बहुत समझाया लेकिन तुमने मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई थी, मैंने तुमसे कहा कि आप अपना घर देखिए, माँ के चक्कर में मत फंसो, क्या ये सब क्या है। तो रेखा रोती हुई अपने आंसुओं को पोंछती हुई कहती है
कि मेरी माँ ने मुझे इस प्रकार भरा था, मेरी माँ ने मेरे साथ जो करवाया मैं वो बयां करने लायक नहीं हूँ, मेरी माँ ने सारा काम बिगड़वाया, तुमसे तलाक लिपवाया और जितना पैसा था वो सब बर्बाद हो गया, और माँ जो थी वो भाई और भाभी ने उसे भी घर से बेघर कर दिया, उसे वृद्ध आश्रम छोड़ दिया और जो भी पैसा था सारा पैसा खा के मुझे घर से निकाल दिया। मेरे मामा मुझे बुला करके लाए हैं, मैं यहाँ मुरैना में अपना व्यवसाय अपना काम कर रही, किसी के यहाँ रहना है तो दो रोटी का धंधा, 300-400 रुपए का धंधा हो जाता है, शाम तक जो भी गाड़ी आती है उसमें पानी बेचने का काम करते हैं। यही बातें हो रही थी तब तक ट्रेन चलने को तैयार होती है, तो नीरज कहता है कि रेखा अब आप निकल जाइए, लेकिन रेखा कहती है नहीं, अगली स्टेशन तक जाएंगे और वहां से हम फिर लौट करके वापस फिर आ जाते हैं, अब आप मिल गए पानी यानी बेचना तो अच्छी बात नहीं, अब तुमसे दो बातें करनी है। तो इशारे में ही नीरज पूछता है, क्या रेखा आपने दूसरा विवाह कर लिया? आपकी मांग में सिंदूर जब देखता है तब तो ना में सर हिला देती है, रेखा कहती है अभी नहीं, शादी तो नहीं की है, फिर ये सिंदूर किसका लगाए हुए हो और पैरों में जो भी है पहने हो? तो रेखा आंखों में आंसू लेकर कहती है, नीरज जो भी है आज दिन तक तुम्हारा ही भरा हुआ सिंदूर मांग में लगाए हैं और आपके ही ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। रेखा कहती है, नीरज क्या तुमने विवाह कर लिया? नीरज ना में सर हिला देता है, नहीं अभी मैंने शादी नहीं की है, मैं अपना कोई धंधा करना चाहता हूँ, अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा कोई काम खोलना चाहता हूँ, क्योंकि पिता की तबीयत खराब है, ग्वालियर एडमिट है, उन्हें कैंसर हो गया है, तो मैं पैसा का इंतजाम करके और पिताजी के पास जा रहा था। जब इतनी बात रेखा सुनती है तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं, कहा माँ जी कैसी हैं? बोले माँ की भी तबीयत ठीक है लेकिन पिता को कैंसर है। तो रेखा कहती है कि भगवान करे मेरे ससुर को कुछ ना हो, लेकिन जब बातें करते हुए आगे चल रहे थे तो नीरज कहता है, रेखा मैंने पहले बहुत तुमसे मना किया ऐसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। रेखा कहती है कि तुम भी कभी कभी गंदी हरकत करने लगते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इस घर में चाह नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला कि ससुराल क्या होती है, मायका क्या होता है, मायके में रहकर कभी किसी लड़की की गुजर नहीं हो सकती है, लेकिन मुझसे भूल हो गई, वो मुझे क्षमा कर दो। लेकिन नीरज कहता है कि अभी पिता को ठीक करा लेते हैं उसके बाद तुमसे बात करते हैं। इसके बाद में रेखा कहती है, नहीं मैं अपने ससुर को देखने के लिए अवश्य चलूंगी, वो खुद से हॉस्पिटल में, मुझे भी साथ लिए चलो। जब नहीं मानती है तो उसके पास जो पानी की बोतली थी वो सारी एक दूसरी लड़की को दे देती है, कहा मेरा हिसाब कर देना, और वो अपने पति नीरज के साथ अपने ससुर को देखने के लिए वो सीधी ग्वालियर चली जाती है। अपने मामा को फोन करती है कि मैं ऐसे ऐसे मुझे नीरज मिल चुके हैं और ससुर की तबीयत खराब है, मैं वहां दे। मामा कहते हैं अच्छी बात है, नीरज अगर तुम्हें अपना ले, फोन पे कहता है, तो आप मना मत करना, उसके साथ चली जाना बेटी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मामा ने बहुत समझाया, मामी ने समझाया, तो रेखा कहती है कि मैं तो तैयार हूं, अगर नीरज मुझे लेकर जाएगा तो मैं इनकार नहीं करूंगी। दोस्तों इस प्रकार जब वो ग्वालियर पहुंचते हैं, जैसे ही अपने ससुर को देखती है, पैर छूती है, और जैसे ही उसके पिता नीरज के देखते हैं अपनी बहू को, तो उसके हाथों की पुच्छी लेते हैं और कहते हैं, बेटी तू दोबारा मेरी जिंदगी में आ गई, हो सकता है कि तेरी ही आशीर्वाद से, तेरी ही किस्मत से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कैंसर वाला कोई ठीक नहीं होता, इलाज होता है, 2 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद में डॉक्टर साहब जब चेकअप कराते हैं तो उन्हें बिल्कुल क्लियर देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पिता इस बीमारी से निकल चुके हैं, अब इन्हें कुछ होने वाला नहीं है, अब आप अपने पिता को अपने घर ले जा सकते हो। नीरज बड़ा खुश होता है, उसकी पत्नी रेखा बड़ी खुश होती है, और नीरज कहता है, रेखा अब आपने जहाँ रहती हो वहाँ जाओ, लेकिन उसके पिता होते हैं नीरज के, कहते हैं, बेटा बहू की ही वजह से हो सकता है कि मेरी जिंदगी वापस हुई है, लेकिन इस बहू को वापस मत करो और इसे घर साथ लेकर के चलो। लेकिन नीरज कहता है, ऐसे नहीं लेकर चलेंगे, बाइज्जत लेकर के चलेंगे, अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रेखा कहती है, नीरज जो भी हुआ मैं तुम्हारे साथ अभी अभी चलने को तैयार हूँ।
दोस्तों अंत में उसके मामा से फोन करता है नीरज, कहता है कि रेखा ये मेरे साथ जाने को तैयार है, मैं इनकार कर रहा हूँ क्योंकि डिवोर्स हो चुका है। रेखा का मामा कहता है बेटा गलती इस लड़की से हुई है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अब जो हुआ उसे आप भूल जाइए, हमारी भांजी है इसे अपना लो, आप नहीं अपनाओगे तो किसी कौन अपनाएगा, आखिरकार तुम्हारी पत्नी है, अभी भी तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है, इसे आप अपना लो। जब जार बार बार कहते हैं तो रेखा भी अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है नीरज आज के अलावा हमसे कभी भूल नहीं हो सकती, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे एक बार क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। तो नीरज को दया आती है और वहां से गाड़ी करते हैं अपने पिता को डिस्चार्ज करके और गाड़ी करके अपने घर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं लोग देखते हैं, गांव की औरतें देखती हैं कि तो इसकी बहू जो डिवोर्स हुआ था वो आई है, लेकिन वो घर जाकर पूरा घर संभाल लेती है और चारों तरफ के फोन काटती है, केवल अपने मामा से संपर्क रखती थी, माँ भाई किसी से कोई संपर्क नहीं था, और अपनी जिंदगी वहाँ वो सुकून से बिताने लगती है, पति पत्नी बड़े प्यार से रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से गुजार रहे हैं। दोस्तों कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या नीरज ने रेखा के साथ सही किया बिल्कुल हमें बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर घर इसी में बिगड़ रहे हैं। जिस घर में माँ की एंट्री हो जाती है ज़्यादातर घर बेटी का बिगाड़ने में दोस्तों माँ का हाथ होता है, माँ चाहे उस घर को जैसे चलवा सकती है, माँ चाहे तो बेटी को स्वर्ग में पहुंचा सकती है, माँ चाहे तो बेटी को नरक में पहुंचा सकती है, ये कहानी सारी माँ की होती है, माँ चाहे वैसा कर सकती है, लेकिन माँ चाहती है कि कुछ भी हो मेरी चले, दामाद मेरे कहे में चले, ससुराल वाले सारे बेटी के मेरे कहे में चले, तभी तो वो घर बिगड़ता है। आखिर दूसरे की भी इज्जत होती है, दूसरे की वैल्यू होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।